देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, ई वेक्टर इज 200 आई कैप एंड ई वेक्टर इज माइनस 200 आई कैप। ई की दो वैल्यूज हैं, तब एक्स ग्रेटर देन जीरो पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है डायरेक्शन, और एक्स लेस देन जीरो पे नेगेटिव एक्स के अलोंग है डायरेक्शन। और एक सिलेंडर पड़ा हुआ है जिसकी लेंथ और रेडियस गिवन है, हैज इट सेंटर एट ओरिजिन। तो सिलेंडर का सेंटर ओरिजिन पे है, आपको फ्लक्स निकालना है, ईच फ्लैट फेस का फ्लक्स निकालना है। तो ये सेंटर है तो इसको ओरिजिन मान लेते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस क्लियर है, और इस ओरिजिन से राइट का मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो पे ई की डायरेक्शन एक्स के अलोंग आई कैप के अलोंग है, यानी कि पॉजिटिव राइट है, और इस ओरिजिन के लेफ्ट की तरफ ई वेक्टर माइनस आई कैप है, यानी कि इस तरफ है। तो ओरिजिन पे अगर खड़े हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस तरफ देखने को यहां मिलेगा और इस तरफ देखने को मुझे यहां मिलेगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, यूनिफॉर्म इस एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ है, ठीक है यहां तक। तो आपको एक सिलेंडर प्लेस करके दिया गया, आपको इसका फ्लक्स निकालना है। पहली बात तो कि अगर मैं इसके यहां का एरिया लेता हूं तो एरिया वेक्टर सीधा है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, एंगल 90 है, तो वैसे ही इस फेस का कर्व का क्या हो जाएगा, फ्लक्स जीरो, EDS cos 90। यहां लेता हूं तो एरिया ऊपर मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मिलेगा, तो इसमें और इसमें फिर से एंगल क्या बनेगा, 90। तो कर्व सरफेस एरिया का तो किसी भी हालत में फ्लक्स जीरो ही आएगा। अब फ्लैट सरफेस की बात करते हैं। फ्लैट सरफेस लेफ्ट में ई वेक्टर मेरी तरफ आ रहा है माइनस आई कैप, और एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ई और डीएस में डेल्टा एस में एंगल कितना है, जीरो। सिमिलरली इसमें ई और डेल्टा एस में एंगल कितना है, जीरो। तो आप इसमें लेफ्ट फेस का जब निकालेंगे ई डेल्टा एस कॉस जीरो, राइट फेस का ई डेल्टा एस कॉस जीरो, लेफ्ट फेस में ई की वैल्यू का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे 200 माइनस आई कैप का, मतलब डायरेक्शन लेफ्ट है, वो हमने यूज कर लिया एंगल निकालने के लिए। ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 200 और एरिया इज पाई आर स्क्वायर, आर आपको गिवन है, और ऐसी राइट फेस के लिए भी ई और आर सेम आंसर आएगा। कई लोग ऐसा नहीं करना चाहते तो वो वेक्टर की फॉर्म में करें, मैंने मेथड टू लिखा हुआ है। मेथड टू में आप सीधा वेक्टर लगाएं, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो जैसे लेफ्ट फेस पे ई वेक्टर की वैल्यू कितनी है, माइनस 200 आई कैप, माइनस साइन के साथ चलें क्योंकि आपको इसमें आई कैप गिवन है, माइनस आई कैप डॉट डेल्टा एस वेक्टर। डेल्टा एस वेक्टर पाई आर स्क्वायर के पीछे क्या लगेगा, माइनस आई कैप, क्योंकि डेल्टा एस भी कहां जा रहा है, टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। Obviously, minus minus plus i को i से dot product लेंगे तो answer is 1, answer same आएगा। ऐसी इस face का कर सकते हैं, e vector dot delta s vector, दोनों के दोनों positive आएंगे, i dot i 1 देगा तो answer same आएगा। जैसे मर्जी कर लो, अगर आपको vector से वैसे angle समझ में आता है तो भी ठीक है, और अगर आप i cap और minus i cap से समझ सकते हैं तो भी ठीक है, answer दोनों में same आएगा, कोई doubt इसमें, clear है यहाँ तक। So इसके अंदर सेम क्वेश्चन है, फ्लक्स टोटल क्या होगा, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू, इन दोनों का क्या कर देंगे, एडिशन करेंगे, आंसर आएगा। इन अब प्रॉब्लम फाइंड द फ्लक्स टू कर्व्ड सरफेस, मैंने बताया कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स क्या आ रहा है इसमें, जीरो। और इसी क्वेश्चन में चार्ज बताओ सिलेंडर के अंदर कितना होगा। अब मैंने आपको ह्यूबल के क्वेश्चन में हिंट भी दिया कि टोटल फ्लक्स क्या होगा इनका, टोटल फ्लक्स लेफ्ट और राइट के फेस का सम होगा, आप इन्हें ऐड करें तो टोटल फ्लक्स आएगा। टोटल फ्लक्स इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्लोज बॉडी का टोटल फ्लक्स हमारे पास है और गॉस थ्योरम कैन बी एप्लीकेबल, तो क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई, फाई आपके पास है, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट इसमें। तो फ्लक्स आ गया तो चार्ज तो आ ही जाएगा, समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्लीज पढ़ो। क्यू वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम आपका टेस्ट पक्का है, मैं ज़्यादा डिले नहीं करता टेस्ट में, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता कि स्टूडेंट घर जाके रेगुलर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता होगा, ठीक।
मतलब करता होगा, प्रैक्टिस करके छोड़ देता है, वो इकट्ठा नहीं करता। और उससे कहोगे ना मुझे करके दिखा पूरा चैप्टर, लिख के दिखा, वो लिख नहीं पाएगा, उसको पता होगा लेकिन वो फॉर्मल तरीका होना चाहिए। तो आपका नेक्स्ट टाइम फ्लक्स जितना आज कवर होगा और जितनी थ्योरी हो चुकी वो सारे का सारा एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा जैसे हमेशा होता है, तो वो टेस्ट की प्रैक्टिस करना ठीक। और इतनी देर फ्लक्स चलेगा, पोटेंशियल चलेगा, आपस में चीज़ें इंटरलिंक्ड मिलेंगी आपको। तो इस संडे टेस्ट नहीं है, ऑफ है, ऑफ भी देना पड़ेगा, सारे ऑन नहीं रख सकते, तो ये ऑफ है। अब ये सोचो कि जो अगला ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या होगा। ऑब्वियसली फ्लक्स एंड पोटेंशियल सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो आप साथ साथ प्रैक्टिस रखना, ऐसा ना हो कि एंड में प्रेशर हो जाए ठीक। उसके लिए मैं बीच में टेस्ट लेता रहूँगा, ये छोटे छोटे 2-3 ले लूँगा, तो आपकी तैयारी टाइमली हो जाएगी उससे। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच 6 फेसेस ऑफ अ क्लोज्ड क्यूब ऑफ लेंथ L। 6 फेस हैं, कब आपको इसका फ्लक्स निकालना है, एक फेस का बस। कब, जब चार्ज को सबसे पहले क्यूब में कहां रखा गया, सेंटर ऑफ क्यूब में। सेंटर में अगर चार्ज रखेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ लाइंस हर फेस से निकलेंगे, बराबर ही है, सिमेट्री है। पूरे क्यूब का फ्लक्स गॉस थ्योरम से क्या आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और पूरे क्यूब का मतलब कितने फेसेस हैं, 6। एक फेस का क्या निकलेगा, इस फ्लक्स को किससे डिवाइड करना है, एप्सिलॉन नॉट, ओह 6 से, सॉरी 6 से। तो एक आंसर आ गया, ईच फेस का 1/6 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, फिर से सेम क्वेश्चन है, एक फेस का फ्लक्स निकालो, लेकिन कब, जब चार्ज कहां पे रखा हुआ है, कॉर्नर पे। अब जब कॉर्नर पे चार्ज रख दिया तो कुछ लाइंस इधर जा रही हैं और कुछ इधर आ रही हैं, तो ये वाली लाइन तो हवा में गई, इससे तो फ्लक्स नहीं कैलकुलेट होगा। कुछ लाइंस क्यूब में एंटर कर गई, मुझे फिर दो क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला, इस पूरे क्यूब का फ्लक्स क्या होगा। अब क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट तो होगा नहीं, क्योंकि क्यूब इसके अंदर तो है नहीं, बिल्कुल सरफेस के कॉर्नर पे है। तो कुछ लाइंस एंटर कर रही हैं, कुछ एंटर नहीं कर रही, राइट। तो मेरे इस क्यूब का फ्लक्स निकालना है। ई डॉट डी एस लंबा काम है, तो हम क्या करेंगे, सपोज करो ये आपके पास एक क्यूब है और ये आपके पास एक चार्ज है, ये कोने पे क्यू चार्ज है, लाइंस यहां पे, यहां पे, यहां पे, इसके अंदर हर तरफ निकल रही हैं। मेरे को इस पूरे क्यूब का फ्लक्स निकालना है। मैं क्या करता हूं, इस क्यूब के ऊपर इमेजिन करो एक और सिमेट्री में क्यूब रख देता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकूं, जिसके लिए मेरे को इस क्यू चार्ज को बॉडी के अंदर लेके आना है। तो जब मैंने यहां पर एक चार्ज, एक क्यूब को रखा, तो क्यू चार्ज कहां पर पड़ा हुआ है, यहां पे, अभी भी हवा में है, लाइंस हवा में आ रही है, अभी बंद नहीं हुआ। तो फिर किसी ने सजेशन दिया कि क्यों ना आप ऐसा करो, एक और क्यूब लेके आओ जो इसके साथ लगा दो, और एक और क्यूब लेके आओ जो इसके साथ लगा दो। पर मैंने कहा प्रॉब्लम तो अभी भी है, ये अभी भी यहां पे दिख रहा है, लाइंस अभी हवा में जाएंगी। तो फिर किसी ने ये सजेशन दिया, सिमेट्री, किसी ने कहा ढकने को क्या, ये लो ढक्कन लगा दो इसका, ढका गया। मैंने कहा ढक्कन तो लगा दूंगा, फिर वापस बांटूंगा कैसे फ्लक्स को, डिवाइड भी तो सिमेट्री में करना पड़ेगा, करने को तो यार इतने क्यूब को रख रहे हो, ऐसी बंद कर दो ना किसी किसी चीज से, तो फिर उसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। क्यूब को सॉल्व करना सिमेट्री में आसान है, चार क्यूब लिए, मतलब एक तो एक्चुअल है, 3 इमेजिन कर लिए, अभी क्यू चार्ज कहां पर इमेजिन करके पड़ा हुआ है हमारे पास, यहां पे। फिर किसी ने कहा कि चार क्यूब और लो और यहां पे रख दो, 1, 2, 3, 4। अब देखो बाय सिमेट्री 8 क्यूब्स हैं, 8 क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर पे ये क्यू चार्ज है। हाँ, मैंने कहा ये बात सही है, 8 क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज आ गया। 8 क्यूब का फ्लक्स इज अ क्लोज बॉडी, 8 क्यूब इज अ क्लोज बॉडी और क्यू एग्जैक्टली इसके सेंटर पे है, तो टोटल 8 क्यूब का फ्लक्स क्या निकलेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्यू चार्ज 8 क्यूब के सेंटर पे है। और गॉस ने क्या कहा था कि 8 क्यूब इज अ क्लोज बॉडी, तो इस पूरी क्लोज बॉडी का फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेरे को तो सिर्फ एक ही क्यूब का निकालना है और मुझे पता है कि क्यू चार्ज एग्जैक्टली सेंटर में पड़ा हुआ है 8 क्यूब्स के, तो फ्लक्स सबको इक्वली डिवाइड कर रहा होगा। तो 8 में से एक क्यूब का आंसर निकालने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से, तो एक क्यूब का आंसर आ गया। तो ये स्टेप सबको समझ में आया कि एक क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा, उसको बाकी 7 क्यूब से ढक दिया, तो टोटल 8 हो गए।
आठ क्यूब का फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक, उनमें से एक क्यूब का निकालना है, पर क्यूब क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां तक क्लियर है। पर मुझसे पूछा गया ईच फेस, अब वापस आ जाते हैं अपने और डिटेल्ड क्वेश्चन में, मेरे को कहा गया कि चार्ज यहां पे पड़ा हुआ है, ये रहा। अब इमेजिन करो इसमें से लाइंस एक्चुअल में तो हर तरफ जा रही हैं, इसमें से भी जा रही हैं, कुछ लाइंस यहां से चार्ज यहां निकालेगा, यहां निकालेगा, यहां यहां निकालेगा, कुछ सरफेस के ऊपर निकालेगा। देखो लाइंस इसकी सरफेस से ऊपर से भी जाएंगी और लाइंस इस क्यूब के अंदर से भी जाएंगी, ये देखो लाइंस इस सरफेस के ऊपर से भी जाएंगी और लाइन इसके अंदर से भी जाएंगी, जो थोड़ी बेंड होगी अंदर की तरफ वो इस फेस में से बाहर निकल के आएंगी और जो सरफेस की तरफ चली गई वो कुछ ऐसे चली जाएंगी। तो इमेजिन कर पा रहे हो कि पूरा का पूरा जो चार्ज है क्यू चार्ज है, लाइन ही लाइन भेज रहे अंदर की तरफ, इमेजिन कर पा रहे हो, उसका मुझे फ्लक्स निकालना है ईच फेस का। टोटल फ्लक्स मुझे पता है इस पूरे क्यूब का, क्यूब बाय 8 एप्सिलॉन नॉट है। इंपॉर्टेंट ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो लाइन इस सरफेस के साथ जा रही है, इमेजिन करो ये लाइन जा रही है सारी, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, और एरिया वेक्टर इस सरफेस का परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, एरिया वेक्टर ये रहा और लाइंस ये जा रही है, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और एरिया वेक्टर में यहां पर एंगल क्या बनेगा 90, तो इस फेस का फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा जीरो। ऐसी क्यू चार्ज यहां पर भी है तो लाइन ऐसी भी जा रही होगी सरफेस से टच करती हुई, तो उन टच करती हुई लाइंस और एरिया वेक्टर बाहर है, एंगल फिर से कितना 90, इसका फ्लक्स जीरो, इसका फ्लक्स जीरो और सिमिलरली इसका फ्लक्स भी जीरो, तो तीन एडजेसेंट फेसेस का फ्लक्स जीरो। अब क्या बचे, तीन अलग बचे, एक दो और तीन, तीन और बचे, उनमें से लाइंस अलग अलग एंगल पे निकलेंगी, जो यहां से निकली हुई है वो अलग अलग एंगल्स पे जा रही है, तो मुझे पता है कि पूरे क्यूब में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है पूरे पूरे क्यूब का वो इसके इक्वल है, और मुझे ये पता लग चुका है कि उनमें से जो तीन फेस है वो फ्लक्स में बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, क्योंकि एडजेसेंट फेसेस में ई वेक्टर और एरिया वेक्टर में एंगल क्या बन रहा है 90, तो इसका मतलब किन फेसेस ने कंट्रीब्यूट किया होगा, सिर्फ तीन फेस ने, तो उन तीन फेसेस का पर फेस का फ्लक्स क्या निकलेगा, इसको फर्दर किससे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो फाइनल आंसर आएगा क्यू डिवाइडेड बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइंट समझ में आया, 6 से डिवाइड नहीं करना क्योंकि तीन ने कुछ नहीं किया, तो नॉर्मली लोग कहते हैं 6 से कर दो, 6 से क्यों करें, अगर 6 से कर दिया इसका मतलब फ्लक्स सबका बराबर है। बोलो ये क्यू चार्ज है, लाइंस कैसे बन रही हैं इस पे, देख ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये गई, ये गई, ये गई, इधर जो हवा में गई उसकी बात नहीं करनी। अब तू कहेगा कुछ तो अंदर भी गई, यार जो अंदर गई वो इस सरफेस को थोड़ा टच करती हुई गई है ना, वो तो इनमें से बाहर निकलाई ऐसे, तो उनकी बाद में बात करते हैं। तो इमीडिएटली तो ये देख रहा है लाइन जा रही है सरफेस के ऊपर और एरिया वेक्टर के साथ एंगल क्या बना रही है 90, तो इसका 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 फ्लक्स जीरो, बाकी तीन ने तो कंट्रीब्यूट किया, तो टोटल फ्लक्स तो मुझे पता है मान लो 12 है, 12 है, और मुझे पता है कि तीन ने कंट्रीब्यूट किया 12 में से, तीन ने नहीं किया तो पर फेस फ्लक्स तो 4 ही आएगा ना। अब बोल 8, अच्छा पहला स्टेप वाला वो तो कुछ ऐसा था कि ये क्यूब है, क्यूब के यहां पर क्यू चार्ज है, तो मेरे को इसका फ्लक्स निकालना है पूरे क्यूब का, तो मैंने इसके ऊपर एक क्यूब रखा, यहां पे रखा, यहां पे, यहां पे 8 क्यूब रखते, 8 क्यूब के सेंटर में ये क्यू चार्ज आ गया, उन 8 क्यूब का फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम, तो 8 में ये क्यू चार्ज इक्वल फ्लक्स दे रहे बराबर सेंटर में है ना, तो एक क्यूब में क्या दे रहा है क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन को 8 से डिवाइड कर दिया, पर क्यूब आ गया, फिर पर क्यूब को भी पर फेस डिवाइड किया डिवाइड बाय 3, तो क्यूब 24 आ गया, पहले 8 से डिवाइड किया ताकि पर क्यूब आ जाए, फिर एक फेस के लिए पर 3 से डिवाइड किया पर फेस आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, इस क्वेश्चन को एक बार देखना, पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पी, तो पी पॉइंट पर किसी ने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, कंडक्टर सामने रख दिया, कंडक्टिंग स्फीयर है और एक और क्लोज्ड सरफेस है, इमेजिनरी है, तो क्या हुआ क्लोज सरफेस बना के दे दी। तो किसी ने ये पूछा कि अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखूं, इस क्लोज डॉटेड सरफेस का फ्लक्स बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बस ये बताना है।
तो मेरे को पता है कि अगर एक प्लस चार्ज यहाँ पर रखा जाए तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर पे क्या जाएगी इंडक्शन, इंडक्शन से क्या होगा प्लस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और कंडक्टर के पीछे की तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब क्लोज सरफेस देख रहे हो, इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज देख रहे हो पॉजिटिव, तो यानी कि इसका जो फ्लक्स होगा दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू इसमें पॉजिटिव है तो फ्लक्स भी इसमें पॉजिटिव होगा। पॉइंट समझ में आया यहां तक, इसके अंदर पॉजिटिव फ्लक्स लिखना है, नेगेटिव फ्लक्स नहीं होगा, कोई डाउट इसमें? इस क्वेश्चन को देखना प्लीज। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे एक दो क्वेश्चंस का आंसर दो। मेरा क्वेश्चन है, सपोज ये एक हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर का बेस ओपन है, ओपन है, दिस इज नॉट क्लोज्ड, खुला है नीचे से। और दूसरा क्वेश्चन है, ये एक हेमिस्फेयर है जो नीचे से भी क्लोज्ड है, बंद है, डिस्क लगा दी, क्लोज कर दिया। क्वेश्चन है कि अगर क्यू चार्ज ये साइड पे पड़ा हुआ है तो इस क्लोज बॉडी के बाहर है दोनों को, दोनों चार्ज, दोनों में चार्ज बाहर है, तो ये बताओ कि इसका टोटल फ्लक्स क्या होगा पूरी बॉडी का। कितने लोग बोलते हैं जीरो, और कितने लोग बोलते हैं कि नीचे का जीरो, कितने लोग बोलते हैं दोनों का जीरो, कितने बोलते हैं कि दोनों का जीरो नहीं, कितने बोलते हैं कि मुझे पता नहीं। अच्छा ओके, इस ओके मेरा आंसर एक बार पहले से शुरू करता हूं मैं, इसका फ्लक्स कितने लोग जीरो बोलते हैं, हाथ खड़ा करना। ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज चार्ज बाहर पड़ा हुआ है तो क्लोज बॉडी के अंदर जो चार्ज है बाय एप्सिलॉन नॉट तो ऑब्वियसली जीरो है, इनसाइड फ्लक्स इज जीरो, सही सही है, ऐसा सही है। फिर कितने लोग बोलते हैं सेम थ्योरी इसमें भी तो लगेगी क्योंकि चार्ज तो अभी भी बाहर है, और अगर ओपन में गॉस थ्योरम नहीं लगेगी, लगेगी ओपन में गॉस थ्योरम, तो फिर तो आंसर जीरो हो गया, तो मतलब आंसर जीरो होगा ऊपर में के अंदर भी नहीं होगा, क्यों, चार्ज तो अभी भी बाहर है। अच्छा चलो मैं और आपको कंफ्यूज कर दूं थोड़ा सा, सुनो। लो किसी ने कहा सर मैं निकाल के दिखाता हूं, मैंने कहा पूछ कैसे, कह रहे देखो ये हेमिस्फीयर है ओपन है तो क्या हुआ, मैंने कहा ठीक, कह रहे एक और हेमिस्फीयर इमेजिन कर लो जो इसके नीचे पड़ा हुआ है, देखो क्या बन गया स्फीयर, मैंने कहा हाँ स्फीयर, कह रहे देखो क्यू चार्ज तो बाहर लाई कर रहे ना एक स्फीयर के अंदर नहीं है तो नेट फ्लक्स तो पूरे स्फीयर का क्या जीरो, राइट। फिर क्योंकि आपको तो क्वेश्चन हेमिस्फीयर का था, आधे को काट दो तो फ्लक्स जीरो बाई टू इज जीरो, देखो बुरी नहीं है थ्योरी, देखो इतनी बुरी नहीं है, है कुछ फ्लॉ है इस थ्योरी में, क्या फ्लॉ है, मैं बना सकता हूं, मैं कैसे भी बना दूं, लो बना देता हूं मैं, क्लोज कर दूं मैं उसे, देखो ये तो फिर गड़बड़ हो गई। फिर किसी ने कहा कि आप इसे क्लोज कर दो, तो फिर जो पहले क्वेश्चंस किए थे वो सिमेट्री वाले, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम थी, वो भी तो वो ठीक थे, वो ओपन सरफेस के थे, ये भी सरफेस ओपन है जी, चार्ज सेंटर में था उसमें, हाँ उसमें चार्ज सेंटर में था, सेम नहीं आएगा उन क्वेश्चंस में क्योंकि फ्लक्स बराबर डिवाइड नहीं होगा उनमें, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बांटते हुए क्या करोगे,
जब डिवाइड बाय टू करते हो, क्यों करते हो डिवाइड बाय टू? वो इसलिए करते हो क्योंकि चार्ज सेंटर में पड़ा होता है तो बराबर बराबर फ्लक्स लगाता है, इसलिए डिवाइड हो जाता है टू में। ये नहीं है कि आपने चार्ज को तो यहाँ रख दिया, इसको ज्यादा फ्लक्स मिलेगा फिर दूसरे को कम मिलेगा तो अनइक्वल हो जाएगा। इसलिए जब क्यू चार्ज सेंटर में होता है फिर हम उसको सिमेट्री में डिवाइड करके डिवाइड बाय टू कर देते हैं, राइट। तो ये भी तो थ्योरी ठीक बोली मैंने, वो स्फीयर रख के डिवाइड बाय टू करोगे तो जीरो बटा जीरो जीरो ही हो गया, ठीक है, टू से डिवाइड कर भी लोगे तो। देखो मैं आपको पहले एक बार थ्योरी से समझाता हूँ, इमेजिन कैसे करना है। जब हम ये बोलते हैं कि फ्लक्स इसमें जीरो है, ठीक है, आपने गॉस थ्योरम याद किया, आपने कहा उठा के जीरो क्योंकि अंदर चार्ज नहीं मिला, बंद बॉडी थी, उठा के जीरो, बिल्कुल सही थ्योरी है। लेकिन इसको इमेजिन ऐसे किया जा सकता है कि अगर मेरे को गॉस थ्योरम नहीं आती और मैं वैसे बताना चाहता हूँ कि इसका फ्लक्स जीरो है, तो क्यू चार्ज से लाइंस निकलती हुई जा रही हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, हर तरफ लाइंस ही लाइंस है, ऑब्वियसली यहाँ की डिस्कशन नहीं करेंगे हम। तो किसी भी एक लाइन को देखो, इसको कट करती हुई जा रही है, ये एंटर कर गई और ये साथ की साथ एग्जिट भी कर गई, ये नेट फ्लक्स इसका जीरो निकल के आएगा। क्योंकि अगर कोई लाइन एंटर कर रही है वो इनवर्ड फ्लक्स बना रही है और वही फ्लक्स आउटवर्ड भी जा रहा है तो नेट फ्लक्स उस लाइन का जीरो माना जाता है। फिर देखो कोई भी आप लाइन ले लो, वो दो बार सरफेस को इंटरसेक्ट करेगी, एक बार आउटगोइंग, इधर देखो इनकमिंग आउटगोइंग, तो नेट फ्लक्स हर हालत में इसमें जीरो ही आएगा। ये एक्चुअल थ्योरी है और गॉस ने कहा कि अंदर कोई चार्ज नहीं है उठा के जीरो कर दो तो भी ठीक है। मैथमेटिकल देखना चाहोगे तो इतना सोचना नहीं पड़ता, बंदा कहता है जीरो है तो जीरो है, और थ्योरेटिकली देखना चाहो तो ऐसे इमेजिन करना है। अब सेम थ्योरी जब मैं यहां लगाऊंगा, ये देखो क्यू चार्ज है, ये लो लाइन दो बार इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन दो बार इंटरसेक्ट नहीं कर रही क्योंकि ये नीचे से ओपन है, ये लो मैं मिटाई देता हूं, ये तो खुला पड़ा है, ये देखो। तो इनकमिंग फ्लक्स तो हो गया इसका, आउटगोइंग तो हुआ ही नहीं, मतलब सरफेस को कट करता हुआ तो नहीं गया ना, इसके अंदर एंटर कर गया, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स तो ये कंट्रीब्यूट करवाएगा, तो इसलिए एटलीस्ट इसका आंसर जीरो तो नहीं होगा। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। तो जीरो सिर्फ तभी बोलना है जब क्यू चार्ज बाहर हो गया और ये बॉडी पूरी तरह आपको क्या मिली, क्लोज्ड मिली, तो ही आंसर जीरो होगा। अगर ओपन हो गया उसका एंड, फिर उस केस में आप गॉस थ्योरम लगा नहीं सकते और आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि लाइन एक बार इसको इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरी बार नहीं कर पाई, तो इसलिए इसका नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और वो जो थ्योरी है ना, वो मैंने स्फीयर लिया उसके अंदर फिर स्फीयर लिया, वो तो तभी चलती है जब क्यू चार्ज एग्जैक्टली उसके सेंटर में पड़ा हो, ताकि गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड। नहीं तो ऐसे नहीं है कि आप चार्ज तो घर में लेके बैठे हुए हो और मुझे कह रहे हो कि फ्लक्स निकाल के दिखा दो, भाई चार्ज को अंदर लेके आओगे तभी तो वो थ्योरी चलाऊंगा मैं, अदरवाइज ऐसे नहीं चलेगा। ये नहीं है कि चार्ज तो बाहर पड़ा है और आप उसमें गॉस थ्योरम लगा रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक, ओके। तो अब क्वेश्चन आंसर, देखो इस क्वेश्चन में ये एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के सेंटर पे क्यू चार्ज है और ओपन है, तो ऑब्वियसली लाइंस तो एमिट कर ही रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो इसमें है ही है स्मॉल क्यू की वजह से। मैं ये नहीं कह सकता कि फ्लक्स जीरो होगा, स्मॉल क्यू कुछ तो फ्लक्स लगा ही रहा है। और वैसे कितना लगा रहा है? हाफ हाफ ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन, ये वही स्टोरी है, हेमिस्फीयर के नीचे हेमिस्फीयर रख के और सेंटर में क्यू चार्ज हो जाएगा क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। पर चलो कोई बात नहीं, लगा रहा है ये तो मानते हो। क्वेश्चन है कि कुछ पॉइंट्स इसमें गिवन है, जैसे ये सी, ये डी, ये बी और ये ए पॉइंट्स गिवन है। इन चार पॉइंट्स के ऊपर मैं कैपिटल क्यू को कहां रखूं ताकि जितना फ्लक्स स्मॉल क्यू लगा रहा है उसमें बिल्कुल भी चेंज ना आए। तो कितने लोग बोलते हैं कि सी और ए दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे चेंज नहीं आएगा? सही है, क्योंकि अगर मैंने कैपिटल क्यू को यहां पे रख दिया फिर वो अपना कोई फ्लक्स तो एक को कट करेगा, इन इन तो हो गया फ्लक्स, आउटवर्ड में तो होगा नहीं, खाली पड़ा है वो, तो फ्लक्स कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं यहां ना रखते हुए यहां चार्ज क्यू रख दूं, तो अब वो यहां पे कट करेगा और एक बार यहां पे कट करेगा, दो बार कट करता हुआ जाएगा, तो फ्लक्स में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। सिमिलरली चाहे यहां पे रख दो, यहां पे रखा हुआ चार्ज सीधी लाइन यहां से क्रॉस करवाएगा, आपको के सीधी को करवाएगा, टेढ़ी भी तो करवाता होगा, ये तो ये यहां से गया, दो बार कट कर गया। अब सोचो ना, जो यहां से गई लाइन वो भी तो दो ही बार कट करेगी, तो इसलिए वो भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो ये कॉर्नर के दो पॉइंट हैं जहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, अदरवाइज चेंज आएगा। तो आंसर समझ में आया इसमें ए एंड सी क्यों लिखा, ठीक यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन काफी लोगों को कंफ्यूज करता है, एक बार प्लीज पढ़ना ये क्या लाइन लिखी हुई है मैंने। नीचे, हाँ, ओ सॉरी यार, एप्सिलॉन नॉट है यार वो इसको एप्सिलॉन नॉट कर लेना यार प्लीज, एप्सिलॉन नॉट है। देखो आपको ना दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से सुन लो, स्टेटमेंट ध्यान से सुन लेना। सपोज ये स्फीयर है और अंदर और बाहर चार्जेस हैं, बताओ इसका नेट फ्लक्स क्या होगा और फ्लक्स की कैलकुलेशन में कौन कौन से चार्जेस लिए जाएंगे। आप कहोगे सिर्फ अंदर वाले चार्जेस, आंसर इज दिस एंड दिस, डन क्लोज। हमने क्या कैलकुलेट किया, फ्लक्स, और हमने ये फ्लक्स की कैलकुलेशन किस थ्योरम से की, गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम शॉर्टकट है, एक्चुअल तरीका क्या होता है, ई डॉट डी एस, वो तो उसने स्टडी करके ई डॉट डी एस की जगह लोगों को शॉर्टकट बताया कि लंबे तरीके से नहीं करना, आप ऐसा कर सकते हो, क्लियर है। तो अगर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, सिर्फ फ्लक्स और बिना इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करते हुए, तो आप सीधा अंदर के चार्ज लें बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लोज। लेकिन अगर वो ये कहता है वाइल कैलकुलेटिंग फ्लक्स, अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मेथड, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मेथड कौन सा था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, तो उसमें कौन कौन से चार्जेस लेते हैं। पॉइंट नंबर वन, वो कोई गॉस ने नहीं बनाई थी, वो ई डॉट डी एस का रूल गॉस ने स्टडी करके शॉर्टकट बनाया, पर ई डॉट डी एस एक्चुअल रूल है हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स। तो मेरे को ये पता है कि पहले दो चैप्टर ने मुझे ये सिखाया कि अगर कोई भी एक पॉइंट है एंड सराउंडेड बाय मेनी चार्जेस, जितने लेते जाओ, इस पॉइंट पर ई निकालने का तरीका क्या होता है, प्लस वन रखा जाए और प्लस वन से इसमें सारे वेक्टर लिए जाएं ई के, उसके बाद नेट ई आएगा और तब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यही एक्चुअल तरीका है। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कोई डाउट इसमें? तो ई की कैलकुलेशन हमेशा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही होगी। यह कहना गलत है कि अगर मैं इस सरफेस पे ई कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसमें सिर्फ अंदर के चार्ज ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाहर का नहीं कर रहा। भाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके सराउंडिंग जितने भी चार्ज हैं सबके सब ई में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये रूल समझ में आता है। तो अगर मैं यहां पर ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस लगाऊं, तो मेरे को किसी भी पॉइंट पर जो ई लेना है वो सिर्फ अंदर के चार्ज का नहीं लेना, वो इसका, इसका और इसका, नेट ई लेना है, और बाय टेकिंग वेक्टर्स, वेक्टर लगा के जो भी ई आएगा, जिस तरफ भी आएगा, उसका डीएस करके इंटीग्रेट करके आंसर आएगा, तो नेट फ्लक्स आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो अगर मैं यहां पर इस तरीके से डायग्राम बनाता हूं, जिसके अंदर कुछ ये डायग्राम है, ये लो, तो इसके अंदर यहां पर जब मैं ई निकालूंगा तो उसमें इसका 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 रोल होगा, वो जो नेट ई होगा उस नेट ई के साथ डीएस की इंटीग्रेशन करूंगा जब, तो आंसर आएगा नेट फ्लक्स का। पर क्योंकि कौन करेगा इसमें, हर पॉइंट पे पहले नेट ई देखी जाएगा, वेक्टर लेगा, तो गॉस ने इसको आसान किया था। गॉस ने कहा था कि अगर आप इस रास्ते से आओ करके, या फिर मेरी बात सुन लो, नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना मेरा शॉर्टकट ले लो, बात एक ही है। वो अलग बात है कि उसके शॉर्टकट के अंदर आउटर चार्ज नहीं आ रहा था, इसलिए उसने शॉर्टकट दे दिया कि जब सॉल्व करके आप सारे चार्जेस को कंसिडर करते हुए ई डॉट डी एस करते हो, तो नेट फ्लक्स जो आता है उसमें सिर्फ इनर चार्जेस आते हैं, आउटर नहीं आते, लेकिन उसका शॉर्टकट था। एक्चुअल में जो मेथड ई डॉट डी एस है उसमें सारे चार्जेस का ई लिया जाता है, तो आप इसमें क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लिया जाएगा, ड्यू टू
ऑल चार्जेस, ये ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें साफ मेंशन्ड होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लिया जाएगा, आपने लिखना ऑल चार्जेस। अगर क्वेश्चन आएगा कि फ्लक्स फाइनल जो होगा वो किन चार्जेस पे डिपेंड करेगा, तो आपने लिखना है सिर्फ अंदर के चार्जेस। दो डिफरेंस ध्यान से, ई पूछेगा तो ऑल चार्जेस सुपरपोजिशन, और अगर फ्लक्स पूछेगा तो सिर्फ अंदर का। आप कहोगे सर इसने तो फ्लक्स पूछा, फ्लक्स पूछा लेकिन मेथड कौन सा पूछ लिया उसने, ई डॉट डी एस वाला। डिफरेंस समझ में आ रहा है इसमें? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा आज की शीट में, ध्यान रखना पूछने का तरीका कुछ और होगा उसका, ठीक उस टाइम टेस्ट कर लेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ओके। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 15 का प्रिंट आउट लें, हैंड रिटन। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्जेस 2×10⁻¹⁸ कूलम एंड -2×10⁻¹ कूलम। ठीक है, डायपोल पड़ा हुआ है कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, 2 mm का मतलब 2a गिवन है, नियर अ लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी लैम्डा। हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज किया था लास्ट टाइम, लास्ट एप्लीकेशन थी इसकी, फर्स्ट एप्लीकेशन थी गॉस थ्योरम की, इनफाइनाइट वायर की वजह से ई कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 2λr या फिर λ/2πε0r, एक ही बात है। तो क्लियर है यहां तक? ई का कौन सा फॉर्मूला लगेगा लाइन चार्ज का, क्लियर है यहां तक? ठीक, तो ई का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था इनफाइनाइट लाइन चार्ज का। अब मेरे को यह पता है कि ई की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, आर के ऊपर, आप कितनी दूर ई निकालना चाहते हो। तो अगर आप यहां पे E निकालना चाहते हो तो R क्या पुट करोगे, 2 सेंटीमीटर, और अगर आप यहां पे निकालना चाहते हो तो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 mm। तो एटलीस्ट एक बात तो पक्की है कि E की वैल्यू विल चेंज, ज्यादा E की वैल्यू कहां एक्सपीरियंस करेगी, माइनस क्यू पे, और कम हो जाएगी एट प्लस क्यू। ये भी क्लियर है यहां तक? तो यहां पर जो भी E होगा उसकी डायरेक्शन कहां होगी, जब भी लाइन चार्ज का क्वेश्चन आएगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, आप अगर यहां ई निकालना चाहते हो तो रिपल्शन मिलेगी राइट की तरफ, यहां निकालना चाहते हो रिपल्शन, यहां निकालना चाहते हो रिपल्शन, तो आउटवर्ड होती है ई की डायरेक्शन, प्लस चार्ज से निकलती हुई आउटवर्ड होती है हमेशा। तो यानी कि ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस नेगेटिव चार्ज पे कहां होती है, इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज में कहां होती है, इन दी डायरेक्शन टुवर्ड्स दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर फोर्स कहां, वैसे भी पता लग रहा है प्लस प्लस को रिपेल करेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी फोर्स F1 लेफ्ट होगी, तो इसकी फोर्स F2 राइट होगी, वेक्टर ठीक बना लेना राइट होगी। क्या समझ में आ रहा है यहां तक? आपको नेट फोर्स निकालनी है, तो इससे पूछोगे तेरे को कितनी फोर्स लगी, ये क्या कहेगा, मेरा चार्ज क्यू इंटू मेरे पे क्या लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, क्यू इंटू ई क्या होती है, फोर्स। फिर इससे पूछोगे ये भी क्या, क्यू इंटू ई फोर्स। तो पहले नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, F1 का मतलब फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस साइन तो ये शो कर रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू E1, यहां पे E1 क्या होगा, 1/4πε0 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय आर, आर कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर, और मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर। तो पॉइंट समझ में आ गया, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, फोर्स F1 की वैल्यू आ गई। ये स्टेप सबको क्लियर है, फोर्स कैसे निकलेगी। उसी तरीके से अब F2 की बात करते हैं, F2 में फोर्स क्या लगेगी, Q into E2। अब E2 के लिए चार्ज तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड लेना है,
ई टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। अब आर कितना, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 एमएम, 2 एमएम का मतलब होता है 10 से डिवाइड करेंगे 0.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट किया, मीटर में, फोर्स आ गई। तो बड़ी में से छोटी फोर्स को क्या कर दे रहे हैं, माइनस, नेट अमाउंट ऑफ फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये शीट फॉर एनसीईआरटी लिख लेना, फॉर एनसीईआरटी प्लीज, मतलब ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। अगली शीट्स में लेवल बढ़ जाएगा, नॉट फॉर एनसीईआरटी होगी, ठीक है? तो मैं बता दूं, मैं हर शीट में पूछ लिया करो, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, तो मैं पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक? सो बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगेन नीट और मेंस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो आने चाहिए। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, लैम्डा का इसकी ई का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन पढ़े प्लीज। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरिंग अ चार्ज डेंसिटी लैम्डा वन एंड लैम्डा टू पर यूनिट लेंथ। तो लैम्डा का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक की लैम्डा वन एक की लैम्डा टू, सेपरेशन बिटवीन एक्सिस इज डी, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है इसमें डी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट लेंथ ऑफ वन ड्यू टू चार्ज ऑन दी अनदर। जैसे सपोज करो मैं एक वायर हूँ लैम्डा वन, ये एक वायर है लैम्डा टू, तो लेट अस सपोज कि मैंने इसके ऊपर फोर्स निकालनी है, तो क्वेश्चन ये है कि ये फोर्स एक्सपीरियंस क्यों करेगा, ये इसलिए फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि इसका खुद का चार्ज है और मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर कुछ ई लगाऊंगा, इसका अपना चार्ज है क्यू, क्यू इंटू ई क्या होती है फोर्स। फिर कोई कहेगा सर आपके ऊपर भी तो ये फोर्स लगाएगा, मैंने पूछा कैसे, क्योंकि इसके ऊपर भी तो चार्ज है, वो चार्ज मेरे ऊपर क्या लगाएगा ई, और मैं अपने चार्ज से इसके ई को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या जाएगी फोर्स। हम दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, लेकिन ये याद रखना कि कोई भी वायर अपने ऊपर ई नहीं लगाती, थिन वायर आस पड़ोस में ई तो लगाती है, आर डिस्टेंस पे तो लगाती है, क्योंकि ई का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2λr या 2λd जो भी है, एंड डिनोमिनेटर में डी इज जीरो नॉट अलाउड, तो ये डिफाइंड नहीं माना जाता। तो अगर मान लो मैं फिर कह रहा हूं कि दो वायर्स हैं और दोनों पे चार्ज है, तो ये इसके ऊपर ई लगाएगी, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और ये इसके ऊपर ई लगाएगी, इट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स। लॉजिक समझ में आ गया? तो हमने क्या करना है, कोई भी एक फोर्स निकालनी है एक किसी भी वायर पे, जिस भी मर्जी निकाल लो आंसर सेम ही आएगा। तो मान लो इस लैम्डा वन वाली वायर ने इस डी डिस्टेंस दूर इस वायर पे ई लगाया, तो ये वायर डी डिस्टेंस दूर कितना ई लगाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2λ1 डिवाइडेड बाय डी, कोई डाउट इसमें, ठीक? अब इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, अब मैं टोटल चार्ज तो निकाल नहीं सकता बिकॉज इनफाइनाइट वायर है, मुझे क्या पता कितना चार्ज है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ पोर्शन ले लेता हूं इसका, कहने का मतलब कि फोर्स जो ये एक्सपीरियंस करेगा पर यूनिट लेंथ, क्योंकि मेरे को फोर्स ही निकालना, मेरे को क्या निकालना है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ, तो उसके लिए ई तो मैं इसका यूज कर लूंगा जो इसने इसके ऊपर लगाया, और इनटू चार्ज, नहीं चार्ज जो किसके ऊपर पड़ा हुआ है पर यूनिट लेंथ, क्योंकि चार्ज टोटल तो इम्पॉसिबल इनफाइनाइट वायर पे निकालना, तो इसलिए हम क्या लेंगे, चार्ज लेंगे पर
किसके ऊपर लेंगे, फॉर यूनिट लेंथ। तो ऑटोमेटिकली क्यू इंटू ई क्या होती है, फोर्स। मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर मेरे को साफ दिखाई दे रहा है वायर टू का चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, लैम्डा। आंसर आ गया। इस फॉर्मूले को याद करो, कोई न्यूमेरिकल नहीं है ये, नोट लिखो और फॉर्मूला लिखो इस पे कि अगर क्वेश्चन आता है दो चार्ज्ड वायर्स हैं और दोनों के ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है किसी भी वायर के ऊपर, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगेगा 1/4 pi epsilon naught 2 d1 d2 / 2 lambda 1 lambda 2 / t। लिख लो दिमाग, नींद खुल जाएगी। लिख लिया, नोट बॉक्स में डाल लो। अच्छा, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, कोई डाउट इसमें? तो आज के बाद ये न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व नहीं होगा, आज के बाद सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। इनफाइनाइट ना हो तो फिर एंगल्स निकाल के ई निकालने पड़ेंगे यार, कॉम्प्लेक्स हो जाए। इनफाइनाइट के लिए आएगा पक्का ये ना, एक्चुअली रिजल्ट मैग्नेटिक इफेक्ट में भी आता है, इनफाइनाइट के लिए आता है उसमें भी, तो इसलिए ये रिजल्ट स्टैंडर्ड है इनफाइनाइट के लिए, फाइनाइट के लिए वैलिड नहीं है ये। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन पढ़ो फिर ये। क्वेश्चन है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली 4 meter अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। एक मतलब स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली का मतलब इनफाइनाइट बहुत लंबी वायर है, चार्ज्ड है, 4 meter ऊपर है और जिसका लैम्डा गिवन है माइक्रो कूलम पर सेंटीमीटर। माइक्रो का मतलब 10^-6, सेंटीमीटर का मतलब मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर कूलम पर मीटर आ जाएगा। लैम्डा पता है आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। भाई अर्थ कितनी दूरी, 4 meter पे है, यहाँ पर ई निकालना है। अर्थ की जरूरत क्या थी वैसे ही पूछ लेता, 4 meter नीचे ई चाहिए, तो 4 meter नीचे ई इनफाइनाइट वायर का क्या होता है, 1/4 pi epsilon 2 lambda / r। तो इसकी वैल्यू पता है, लैम्डा आपको पता है, आर आपको 4 पुट करना है, आंसर न्यूटन पर कूलम। इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ही है ये भी। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? इस क्वेश्चन को पढ़ो प्लीज। सो क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसका मास गिवन है, इज केप्ट ओवर अ लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ चार्ज ऑफ डेंसिटी गिवन।
उसने अब आज के बाद क्वेश्चन में डेंसिटी वर्ड यूज करना है। वैसे तो आपको पता है कि शीट के ऊपर डेंसिटी कौन सी यूज होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिंबल क्या होता है सिग्मा, सिग्मा का मतलब चार्ज अपॉन एरिया। वैसे यूनिट से पता लग रहा है, कूलम पर मीटर नहीं है, कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक, वो कह रहा है कि ये बताओ कि कितना चार्ज मैं इसको दूं ताकि ये नीचे ना गिरे। नीचे क्यों गिरेगा, अपने वेट की वजह से, ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हमने ऑल ड्रॉप वाले। नीचे क्यों नहीं गिरेगा, जब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, और फोर्स एक्सपीरियंस कहाँ होगी, ऊपर, कितनी क्यू। तो ये शीट इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और फोर्स लगेगी क्यू, तो एम जी क्यू के अगर इक्वल हो जाए तो ये नीचे नहीं गिरेगा, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। तो सबसे पहली चीज ये समझ में आती है कि ये चार्ज क्यू शुड बी पॉजिटिव इन नेचर ताकि प्लस प्लस को क्या कर सके, रिपेल। फिर ये भी याद होगा हमने शीट का क्वेश्चन, फ्लक्स में आखिरी हमारी डेरिवेशन थी, फ्लक्स में जो लास्ट शीट की थी, एक शीट की वजह से ई का फॉर्मूला क्या होता है, थिन शीट का सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने किया था जिसका अगली बार टेस्ट भी आपका, तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट याद तभी होगा ना। तो इसमें नीचे नहीं गिरे तो Q इज इक्वल टू एम जी, ई की जगह सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। आपको इस केस में Q निकालना है तो सिग्मा पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, एम पता है और जी पता है। सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, Q की। एक आंसर आ गया चार्ज का। ठीक, तो ई, बस एक चीज नोट कर रहे हो, इन टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ ई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो बस चेंज होती जा रही है, क्वेश्चन का मीनिंग सेम है। फिर वो ये भी कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएं इस क्यू में से ताकि इसके ऊपर इतना चार्ज आ जाए। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव तो करने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएं, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एन ए, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्यू हमने निकाल लिया, तो इतने चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए तब जाके इतना चार्ज आएगा। तो ये भी स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? इस क्वेश्चन को प्लीज पढ़ें। टेन की पावर माइनस कहां पे, यहाँ पे थ्री आएगा ना, थ्री आएगा, थ्री करना है इसे, क्योंकि ग्राम है ना, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए थ्री आएगा, थ्री करना है इसे, ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया है तो थ्री आएगा, राइट। तो अब चेंज होता रहेगा, कोई बात नहीं, वो घर जाके जब कोरजिस्टर बनाओगे ना उसमें करेक्ट कर लेना, मेथड समझ में आ गया ना, अपना आंसर खुद निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो प्लीज,
देखो क्वेश्चन है, अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो। रो से ये पता लगता है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स वॉल्यूम, है ना, इसके अंदर चार्ज है। तो ये सिलेंडर कम से कम कंडक्टिंग तो नहीं हो सकता, ये नॉन कंडक्टिंग है, तो इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है। यानी कि अगर बनाना है तो यहाँ चार्ज ही चार्ज है, तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खाली नहीं है, चार्ज्ड है पूरा। और मुझे इस एक्सिस से, इसके एक्सिस से एक्स दूरी पर ई की वैल्यू बतानी है, क्या होगा। क्या मैंने आपको कोई सिलेंडर का ऐसा रिजल्ट कराया कि जिसमें सिलेंडर हो और सिलेंडर का ई निकालना हो? लगता है कि शायद मैंने करवाया। सिलेंडर सिलेंडर करते तो थे पिछले लेक्चर में, कुछ ऐसे ऐसे करके वो आर निकाल लो सिलेंडर बन जाएगा। अच्छा जरा मैं तभी कहता हूँ टेस्ट बहुत जरूरी है। वो क्वेश्चन था कि एक इनफाइनाइट वायर है, थिन वो भी पतली सी, उसके आर डिस्टेंस दूर ई निकालना है, तो नो डाउट आपने सिलेंडर बनाया। वो एक्चुअल थोड़ी ना था, वो तो इमेजिनरी था, अंदर चार्ज थोड़ी ना था उसमें, इसके अंदर एक्चुअल सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर चार्ज भी है, और उस चार्ज सिलेंडर के अंदर जाके आपको ई निकालना है। मैंने ऐसा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं करवाया, अगर करवाया होता मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता देता। हाँ मैंने ये जरूर करवाया, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज है, उसके अंदर ई क्या होगा, जिसका फॉर्मूला शायद ऐसा भी आया था, ये आया था, ऐसा कुछ आया था, वो करवाया था मैंने, सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना ई आता है, क्योंकि स्फेयर्स के क्वेश्चन तो एनसीईआरटी की डेरिवेशन इटसेल्फ के अंदर ही है, सिलेंडर के नहीं है, और कोई तरीका नहीं है मुझे अब गॉस थ्योरम लगा के इसका प्रूफ खुद ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि या तो मैंने कोई क्वेश्चन किया हुआ ऐसा, या फिर मुझे खुद बनाना पड़ेगा। किया मैंने, हुआ नहीं, बना दिया। देखो एक सॉलिड सिलेंडर देख रहे हो, इस सिलेंडर के अंदर चार्ज ही चार्ज है, प्लस 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 ब्लैक कलर का। इस सिलेंडर का रेडियस आर है, ब्लू कलर का जो एक्चुअल सिलेंडर है, पर मेरे को ई कहां निकालना है, मेरे को ई निकालना है इसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे इसके अंदर। तो मैंने क्या कंसिडर की, गॉशियन सरफेस। तो एक्स डिस्टेंस यहां पर, एक्स डिस्टेंस यहां पर, एक्स डिस्टेंस यहां पर, यहां पर, यहां पर, ऑब्वियसली तो इमेजिनरी क्या बनेगा, फिर से एक सिलेंडर। रेड कलर की सरफेस देख रहे हो, ये इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर इमेजिनरी सरफेस है जो रियल नहीं है, जहां पर मुझे ई निकालना है, इसको गॉसियन सरफेस का नाम दे सकते हैं, कोई डाउट इसमें। गॉसियन सरफेस के ऊपर एरिया बाहर, ई बाहर, तो ई डीएस में एंगल जीरो। इस सरफेस का अगर मैं कहूं कि पूरे इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालो, तो इसका फ्लक्स तो नहीं आने वाला कम से कम, क्योंकि ई इस तरफ है और डीएस इस तरफ है, एंगल बिटवीन देम इज 90, ना इसका आएगा ना इसका आएगा। कर्व सरफेस एरिया का आएगा, क्योंकि ई और डीएस में एंगल क्या बन रहा है, जीरो। तो टोटल फ्लक्स पूरे इस रेड कलर के सिलेंडर में ये तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, पर ये करेगा कितना, EDS cos 0। और अगर टोटल सिलेंडर का फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में DS का एरिया क्या लेंगे, फ्लक्स किसका निकल रहा है, गॉसियन सरफेस का, कलर क्या है उसका, रेड। उसका कर्व सरफेस एरिया बोलो क्या होगा, 2πXL, RL नहीं होगा। तो सिलेंडर कितना बड़ा मुझे लेना देना नहीं, मेरे को लेना देना है मेरी गॉसियन सरफेस कितनी बड़ी है, क्योंकि फ्लक्स किसका निकल रहा है, गॉसियन सरफेस का, और ई वही निकालना है जहां गॉसियन सरफेस बनी हुई है, तो गॉसियन सरफेस जहां पर है वही ई इज टू बी कैलकुलेटेड, तो मेरे को एक्सएल लेना देना है। तो ये स्टेप समझ में आया, 2πXL, कोई डाउट इसमें। अब गॉस क्या कहता था कि जो भी मेरी गॉसियन सरफेस है उसके अंदर चार्ज बताओ कितना है, फ्लक्स तो मैं भी कैलकुलेट कर दूंगा। तो अब टोटल फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड, इसके अंदर का चार्ज बोलो कितना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, वॉल्यूम वाइज। तो मेरे को कितने वॉल्यूम का चार्ज निकालना है, रेड कलर के अंदर अंदर जो चार्ज है, तो रेड कलर के पोर्शन के अंदर चार्ज बोलो, इसका वॉल्यूम बोलो क्या होगा, पाई एक्स स्क्वायर एल। हमें लेना देना सिर्फ इस सरफेस से है, तो इसके अंदर का वॉल्यूम इंटू रो, तो रो का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी फ्लक्स आ गया, ये भी फ्लक्स आ गया, दोनों फ्लक्स को क्या कर लें, इक्वेट। जब इक्वेट करेंगे तो ये मिस्टेक है, करेक्शन करना, ये एक्स है तो यहां पर भी एक्स करो प्लीज,
आर गलती से लग गया, इट शुड बी एक्स, क्योंकि गॉसियन सरफेस एक्स की चल रही है, हमें लेना देना सिर्फ एक्स से है, आर से बिल्कुल लेना देना नहीं है। तो एक्चुअल सेंटर कितना बड़ा मुझे लेना देना नहीं, मेरे को लेना देना है कि मेरी गॉसियन कितनी बड़ी है। तो यहाँ पर एक्स करो प्लीज, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आंसर आएगा रो एक्स बाय टू एप्सिलॉन, आर नहीं आएगा ऊपर, एक एक्स आएगा। करो जरा सॉल्व करो खुद से, तो आंसर आ रहा है रो एक्स बाय टू एप्सिलॉन, ये आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। और वैसे भी सॉलिड स्फेयर के अंदर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, लीनियर रिलेशन था, इसके अंदर भी लीनियर रिलेशन है, इनवर्स आर स्क्वायर नहीं है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो कैसे करना है इस टाइप का क्वेश्चन, गॉस थ्योरम कैसे लगानी है, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नहीं डाउट तो ये खुद ट्राई करो एक बार।
क्वेश्चन है, अ चार्ज कैपिटल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन अ मटीरियल। देखो उसने कहा एक चार्ज क्यू विद इन अ मटीरियल, मटीरियल के अंदर, तो पहली बात तो ये कंडक्टिंग नहीं हो सकता, ये नॉन कंडक्टिंग है। तो ये चार्ज ही चार्ज है, मटीरियल के अंदर है, एक हॉलो स्फीयर है, अंदर से खाली है, और जिसका इनर रेडियस आर वन है, आउटर आर टू है, जो सरफेस सरफेस है थोड़ी मोटी है, जिसमें चार्ज ही चार्ज है। ठीक, आपको ई निकालना है पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट कहां पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, और एक्स कहां पर है, आर वन आर टू के बीच में, आर वन से बड़ा आर टू से छोटा, कहीं भी बीच में पॉइंट लेके वहां ई निकाल के दिखाओ। मैंने ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करवाया, क्योंकि अलग अलग अब केसेस आ रहे हैं, एक स्फीयर का तो करवाया, पर ऐसा नहीं करवाया कि एक शेल के अंदर रो डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है हमारे पास, तो हम इसमें गॉस थ्योरम लगाएंगे। तो जहां पे ई निकालना है वहां क्या कंसिडर करनी है, गॉसियन सरफेस, और ई कहां पे निकालना है, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, एक्स डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस लो, तो एक्स डिस्टेंस पे गॉसियन यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, तो ये गॉसियन सरफेस मिलाओगे तो इमेजिनरी स्फीयर बन जाएगा। ये शेडेड क्यों है, बात की बात है, ये रेड कलर की लाइन देख रहे हो गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकाल लें, ई डी एस कॉस जीरो स्मॉल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स क्या होगा इस रेड लाइन का, ई इंटू रेड लाइन का सरफेस एरिया बोलो 4πx2। गॉसियन सरफेस का रेडियस लेना है, टोटल रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, हमारा गॉसियन सरफेस का रेडियस x है 4πx2। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक, फ्लक्स की वैल्यू इज ई इंटू 4πx2, राइट। अब गॉस ने क्या कहा था कि ये मेरी गॉसियन सरफेस है, यहां से इसके अंदर कितना चार्ज है बाय एप्सिलॉन नॉट, वो भी फ्लक्स देगा। अब इसके अंदर कितना चार्ज है वो ढूंढने के लिए मैंने शेड किया, यहां यहां चार्ज दिख रहा है, जहां रेड 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 है, हवा में तो चार्ज ही नहीं है, तो मेरे को सिर्फ इतने पोर्शन का चार्ज ही कंसिडर करना है, कोई डाउट इसमें, ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है कि कौन सा चार्ज लेना है। अब इस चार्ज की वैल्यू को निकालने के कुल मिला के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, टोटल चार्ज क्यू है, और कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम के अंदर, ये ब्लैक कलर के पूरे वॉल्यूम के अंदर, ये पूरा वॉल्यूम है कितना 4/3 आर टू क्यू माइनस आर वन क्यू। ठीक, तो आउटर क्यू आउटर स्फीयर माइनस इनर स्फीयर जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है उसके वॉल्यूम में क्यू चार्ज है, कोई डाउट। ठीक, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड यूनिट चार्ज, और मुझे कितने वॉल्यूम में चार्ज निकालना है, इस रेड कलर में, रेड कलर का वॉल्यूम बोलो 4/3 πx³ - r₁³, तो इसके अंदर चार्ज क्या आएगा, q डिवाइडेड बाय 4/3 π r₂³ - r₁³ into 4/3 πx³ - r₁, तो ये टर्म क्या मानी जाएगी, q इनसाइड। क्या ये स्टेप क्लियर है, लेकिन इसको आसान करने का तरीका, ये टर्म क्या है, कैपिटल q चार्ज डिवाइडेड है पूरे वॉल्यूम के ऊपर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो, तो रो इंटू 4/3 πx³ - r₁³, मेरे पास क्या जाएगा, चार्ज इनसाइड। तो मैंने उल्टा किया, मैंने ये लिखा कि फ्लक्स इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड में रो इमेजिन कर लिया, क्वेश्चन में गिवन नहीं था, गिवन होता फिर तो रो की फॉर्म में आंसर आता, मेरे को क्वेश्चन में क्यू गिवन है, तो मैंने अपने मन से अज्यूम कर लिया कि रो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उस वॉल्यूम से जहां का मुझे चार्ज निकालना है, मल्टीप्लाई किया और इसको इक्वेट कर लिया, तो ये वैल्यू आ गई, तो यहां से ई की वैल्यू आ गई। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें रो तो मैंने खुद एज्यूम किया था, तो रो अलग से मुझे निकालना पड़ा, टोटल चार्ज कितने वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल वॉल्यूम के ऊपर, दैट इज आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो जब मैंने इसको यहां पुट किया, एक ही बात है, ऐसे निकाल लो, रो को यूज ही मत करो, या रो को यूज करके रो की ये वैल्यू पुट कर दो, आंसर तो हर हालत में सेम ही आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ऐसे कर लो, मत यूज करो रो, ये कर लो, इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करोगे तो फ्लक्स आ जाएगा, तो फ्लक्स और फ्लक्स को इक्वेट करोगे तो भी ये आ जाएगा,
नहीं तो ऐसे कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जहां आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लगने वाले वहां आपको गॉसियन सरफेस लेके ई कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम गॉस थ्योरम में लिमिट